हमारे बहुत से सब्सक्राइबर दोस्त पूछते हैं इस कमेंट सेक्शन में कि एक अच्छा स्किन केयर रूटीन बताओ, स्किन के लिए कोई टिप दो ताकि हमारा चेहरा ग्लो हो सके। दोस्तों सिंपल सी बात है, आपको आपका चेहरा ग्लो करना है, बॉडी बनानी हो या बॉडी में कुछ अच्छे चेंजेस लाने हो, अपने आप में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट यानी कि आपको पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, पैसे से ज़्यादा आपको खुद के ऊपर टाइम की इन्वेस्टमेंट करनी है। दोस्तों चार ऐसी चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा, अगर आप अपने आप को टाइम दोगे तो ये चार चीज़ें फॉलो करिए तो आपकी स्किन जो है वो अच्छे से अच्छे स्पैन तक यंग दिखेगी, क्लीन दिखेगी और प्रेजेंटेबल दिखेगी। सबसे पहली बात तो आप प्रॉपर पानी पीना कीजिए। अगर आप प्रॉपर पानी नहीं पियोगे, आपके स्किन जो है वो उसको फ्लश आउट, उसके अंदर जो गंदगी है उसको अंदर से फ्लश आउट होने का मौका नहीं मिलेगा, फिर ऑयली एक्ने सब आना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि आप पानी नहीं पियोगे। पानी पी लोगे तो 70-80% आपकी जो प्रॉब्लम है वहाँ स्किन की कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब आपकी स्किन प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। 80% प्रॉब्लम्स पानी पीकर कम हो रहे हैं, मतलब आप पानी नहीं प्रॉपरली पी रहे हो तो सबसे बड़ी मिस्टेक वहाँ पे कर रहे हो। आपको पानी कैसे पीना चाहिए, सिंपल सी बात, आपका यूरिन का कलर वाइट रहना चाहिए। हर एक के पानी के रिक्वायरमेंट्स अलग अलग रहते हैं, सो ऐसा नहीं कि मैं दिन में 6 लीटर 3 लीटर पीऊँ, ऐसा पियो कि आपके बॉडी में से जो यूरिन पास आउट होती है वो वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट जैसी हो। और सेकेंड बात जो है कि एक अच्छा फेस वॉश यूज़ करिए। एक अच्छा फेस वॉश बोले तो वो नेचुरल रहना चाहिए, आपकी स्किन को ब्राइट और वाइट करे और उसके साथ साथ उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करे। सो मैं आजकल यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉस का वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग फेस वॉश। ये फेस वॉश बहुत अच्छा फेस वॉश है क्योंकि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, हार्श नहीं है चेहरे पे, और इसके साथ साथ इसकी लॉन्ग टर्म आदत नहीं लगती है। बेसिकली आप इसे रेगुलर यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, बट क्या है कि बहुत से लोग उसके खाली वाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो मैं तो कहूँगा कि वाइटनिंग प्रोवाइड करता है उसके साथ साथ आप न्यूट्रिशन भी आपके जो स्किन है उसके ऊपर देता है वो भी देखिए। आप न्यूट्रिशन कैसे, क्योंकि इसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है और एक्टिवली आपके चेहरे के ऊपर काम करेंगे। इसका जो डिटेल्ड वीडियो है मैंने अपने चैनल में बना के रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, आई बटन में उसकी लिंक जरूर दूंगा। सेकेंडली, जब भी आप स्किन केयर के बारे में बात करते हो, फेस के स्किन केयर के बारे में बात करते हो, तो एक अच्छा सेरम होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक सेरम क्या करता है, एक सेरम आपके चेहरे को जो है वो एकदम डीप नरिशमेंट देता है। पर आज की तारीख में इतने सारे जो केमिकल वाले सेरम आ गए हैं, क्या करते हैं कि आप लगाओगे तो ही आप अच्छे दिखोगे, लगाना छोड़ दोगे तो आपका स्किन जो है, आपका चेहरा ऑयल गंदा हो जाएगा और स्पॉइल हो जाएगा। इसीलिए फिर से फ्रॉस का वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग सेरम आप यूज़ कर सकते हो। ये फेस वॉश और सेरम एक ही किट में आता है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। और आपका जो ये जो सेरम है ये भी एक गेम चेंजर है, क्योंकि ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होता है और इसका जो इफेक्ट है वो स्लोली होता है, क्योंकि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है और आपके चेहरे पे जो नूर है या फिर जो ब्राइटनेस है, जो वाइटनिंग जो परफेक्ट एक्यूरेसी लेवल में चाहिए रहते हैं वहाँ तक आपको पहुँचाता है। दोस्तों यहाँ पे फिर से एक बार कह रहा हूँ, ये दोनों प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड नहीं है, बल्कि एक पर्सनल रिकमेंडेशन पे मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। फिर आप प्रॉपर सेरम यूज़ कर रहे हो, आप प्रॉपर आपकी स्किन को वाइट कर रहे हो, फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, तो लास्ट कहाँ पे आप चूक जाते हो, लास्ट आप अपने डाइट में चूक जाते हो। क्योंकि पानी उतना ही ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ और भी ज़रूरी आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। ऑयली खाना खाओगे, जंक फूड खाओगे तो चेहरा तो बिगड़ने ही वाला है। उसके साथ साथ आप सूखा खाना खाओगे, पानी का जो मतलब फ्रूट्स वगैरह अवॉइड करोगे तो आपका चेहरा तो सूखा पड़ना ही है। सो इसीलिए आपको आपकी जो डाइट है वो भी अच्छी तरीके से रखनी ज़रूरी है। लीफी वेजिटेबल्स खाओ, रॉ थोड़ा सा खाओ, टमाटो एक दो हफ्ते में एक हाथ या दो टमाटो कच्चा रॉ खा लो, बहुत अच्छा रहेगा। बाहर से जितना न्यूट्रिशन दोगे उससे ज़्यादा अंदर से न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। देखो बाहर से ये प्रोडक्ट्स जो है वो क्लीन करते हैं आपकी स्किन को, ठीक है, और बाकी जो काम है वो अंदर से करना है। तो इसीलिए ये अगर आप चार चीज़ें फॉलो करते हो, प्रॉपर पानी पीना, सेकेंडली एक अच्छा फेस वॉश यूज़ करना, एक अच्छा सेरम यूज़ करना, थर्डली ये दोनों कौन से यूज़ करने ये भी मैंने रिकमेंडेशन में दे रखा है, और चौथा प्रॉपर डाइट फॉलो करना, तो आपकी स्किन क्यों नहीं, कौन रोकेगा आपकी स्किन को चमकने से और अच्छा रहने से। ये अपने आप पे होता है कि हम कितना टाइम अपने आप को दे रहे हैं और अपने आप की डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ज़रूर ये सब ट्राई करिए, और अगर आपको फ्रॉस का फेस वॉश एंड सेरम किट पूरा खरीदना है तो डिस्काउंटेड लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप खरीद सकते हो। इस चैनल से के थ्रू आप खरीद लोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा ये लिंक में।
लेन स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी बाय बाय बी मोटिवेटेड। आपको अगर कोई डाउट रहेगा तो इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है, उधर जाके मुझे फॉलो करिए ताकि आपके जो भी डाउट है मैं क्लियर कर सकूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जिसको भी ये पहुँचाना है उसको पहुँचा देना। टिल देन स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी बाय बाय। इट्स रोहन वाक्चौरे साइनिंग ऑफ।